वेलकम बैक टू लॉ स्कूल। हमने प्रीवियस लेक्चर में कोअर्शन, अंडू इन्फ्लुएंस के इनके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे फ्रॉड के बारे में। फ्रॉड को आपने डेली लाइफ में बहुत बार सुना होगा कि इसने मेरे साथ फ्रॉड किया, इसने मेरे साथ चीटिंग की, इसने मुझे धोखा दिया है, डिसीव किया है। ये सारे फ्रॉड के सिनोनिम्स कहलाएंगे। चीटिंग, डिसीव, ये सारी चीज़ें आएगी फ्रॉड के सिनोनिम्स में। फ्रॉड मीन्स क्या होता है? जानबूझकर बोला गया झूठ। जो बूझ झूठ जानबूझकर बोला गया कि हाँ इसको पता है कि ये झूठ है। जो साम एक पार्टी उसको पता है कि ये झूठ है और वो जानबूझकर दूसरी पार्टी को छिपा रहा है, उसको धोखा देने के लिए वो फॉल्स प्रॉमिस कर रहा है या झूठ बोल रहा है, वो क्या कहलाएगा? फ्रॉड। 17 में क्या लिखा है? सेक्शन 17 डिफाइंड फ्रॉड। फ्रॉड मीन्स एन इंक्लूड, मतलब फ्रॉड में क्या मीन्स, फ्रॉड का मतलब क्या है और क्या क्या इंक्लूड है इसमें, क्या क्या इंक्लूड है? एक्ट कमिटेड बाय पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विथ हिज कनिवेंस और बाय हिज एजेंट। मतलब एक एक्ट कमिट होना चाहिए पार्टी बाय पार्टी टू एक कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी द्वारा, विथ हिज कनिवेंस मतलब उसके असिस्टेंस वगैरह द्वारा, और बाय उसकी एजेंट, उसके एजेंट द्वारा। किसके लिए होना चाहिए? कमिटेड विथ इंटेंट टू रिसीव अनदर पार्टी देयर टू और हिज एजेंट और टू इंड्यूस हिम टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। किस इंटेंशन से? अनादर पार्टी को या उसके एजेंट को धोखा देने के लिए। कोई एक्ट कमिट होना चाहिए उसके एक पार्टी द्वारा विथ हिज कनिवेंस और बाय हिज एजेंट द्वारा अनादर पार्टी को डिसीव करने के लिए या इंड्यूस करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए। अब फर्स्ट पॉइंट क्या? द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। मतलब आप सामने वाले के सामने एक ऐसा स्टेटमेंट रखते हो कि जो आपको पता है कि फॉल्स है, पर अदर पर्सन को आप ये बिलीव करा देते हो कि वो ट्रू है। मतलब आपने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि आपको पता है, आप ये जानते हो कि यार ये तो झूठ है, पर आप सामने वाले को ये विश्वास दिला दो कि नहीं ये बात तो सही है। वो हो जाएगा द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। द एक्टिव कंसलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। सेकेंड पॉइंट क्या है? एक्टिव कंसलमेंट, एक्टिवली कंसील करना, मतलब जानबूझकर तथ्य को छिपाना, जान करके कोई तथ्य छिपाना। मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं। जैसे एक शॉपकीपर है, वह अपने एक्सपायर प्रोडक्ट को बेचने के लिए उन प्रोडक्ट पर एक न्यू स्लिप लगा देता है। मतलब वो जो पुरानी स्लिप्स हैं उनको निकाल कर नई एक्सपायरी डेट की, नई मैन्युफैक्चरिंग डेट की स्लिप लगा देता है। तो वो एक्टिवली कंसीलमेंट है, मतलब एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, उस फैक्ट को छिपाने की कोशिश कर रहा है। तो आप तो एज अ परचेसर, एज अ बायर, अपनी तरफ से पूरी तरीके से जागरूक हो। आप तो पूरे तरीके से देख रहे हो कि नहीं इस पे तो डेट लिखी है, ये तो एक्सपायर नहीं है। आप अपनी तरफ से तो सारी सतर्कता बरत रहे हो, पर सामने वाली पार्टी ने एक्टिवली कौंसिल किया कोई उस फैक्ट को छुपाने के लिए, एक्टिवली पार्ट लिया उसमें। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या? अ प्रोमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। कोई प्रॉमिस करना जहाँ आपका इंटेंशन नहीं उसको परफॉर्म करने का, बस आप प्रॉमिस कर रहे हो कि जैसे कि आप एक शॉप पे गए, वहाँ बोलते हो कि मेरे को आज ही आप पेन दे दो, मैं कल आपको पैसे दे दूंगा। आपका कोई इंटेंशन नहीं उसको पैसे देने का, पर आपने उसको प्रॉमिस करा कि हाँ मैं कल आपको पक्के में पैसे दे दूंगा, आज मेरे पास पैसे नहीं। मतलब आपका विदाउट एनी इंटेंशन है, तो ये भी फ्रॉड में आ जाएगा। और एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, ऐसा कोई एक्ट जो डिसीव धोखा देने के इंटेंशन से किया गया हो वो, और एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट। मतलब ऐसा कोई एक्ट और ओमिशन जो लॉ द्वारा स्पेशली डिक्लेयर कर दिया है कि ये फ्रॉडुलेंट है। मतलब बहुत सारे एक्ट और ओमिशन हो सकते हैं, उनकी कोई कैटेगरी नहीं है। मतलब इस डेफिनेशन को एक प्रॉपर स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि बस ये चीज़ें फ्रॉड कहलाएगी, इससे अदर हुआ तो फ्रॉड नहीं कहलाएगा। तो अगर ऐसा होता तो कोई चीज़ें ऐसी भी इंक्लूड होती जाती, तो कब तक उस डेफिनेशन को चेंज करते रहते, कब तक उसमें अमेंडमेंट करते रहते। इसलिए जुडिशरी ने कह दिया कि एनी अदर एक्ट, कोई भी ऐसा एक्ट जो लॉ के नज़र में डिक्लेयर फ्रॉडुलेंट हो, वह भी फ्रॉड की डेफिनेशन में आएगा, क्योंकि एग्जॉस्टिव नहीं है ये डेफिनेशन। अब इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है? मेयर साइलेंस एज टू फैक्ट लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रॉड। मतलब केवल चुप रहना, मेयर साइलेंस, मात्र चुप रहना ही होनी है कि फ्रॉड है। फ्रॉड के लिए कि आपको बोलना जरूरी है सारी चीजें,
अगर सरकमस्टेंसेस ऐसी नहीं हो कि जहाँ बोलना ड्यूटी नहीं हो वहां पर आप नहीं भी बोले तो चलेगा, लेकिन जहाँ बोलना आपकी ड्यूटी है, जहाँ कि हाँ ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी, तो वहाँ आपको बोलना जरूरी है। साइलेंस अपने आप में फ्रॉड नहीं है। कोई पर्सन अपने माल की जैसे कमी नहीं बताए तो वो फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कैवियट एम्पटर का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। मतलब क्रेता सावधान, मतलब जो परचेसर बायर हो रहा बायर होता है उसको इतनी सावधानी इतनी सतर्कता बरतनी चाहिए कि वो अपने गुड्स के बारे में जान सके, भले से सामने वाला नहीं, उसको अपनी पूरी सतर्कता से कोई चीज परचेस करनी चाहिए। इसके एक्सप्लेनेशन में इसके एसेंशियल एलिमेंट्स में बताया, एक्ट कमिटेड बाय पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विथ हिज कनिवेंस। कोई एक्ट कमिट होना चाहिए पार्टी द्वारा, उसके कनिवेंस के द्वारा या उसके एजेंट द्वारा। इंटेंशन होना चाहिए डिसीव करने का अनादर पार्टी को, ठीक है। और इंड्यूस होना, इंड्यूस करना चाहिए इंटर कॉन्ट्रैक्ट में इंटर। अब साइलेंस फ्रॉड कब होगा? साइलेंस जहां बोलना ड्यूटी हो वहाँ साइलेंस फ्रॉड कहलाएगा। मतलब फिड्यूशरी रिलेशनशिप में, फिड्यूशरी रिलेशनशिप में बोलना ड्यूटी है। मतलब आप कोई चीज दे रहे हो सामने वाले को, फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, विश्वास के रिलेशन है, वहां पर आपको बताना होगा कि आपकी चीज में ये कमी है। मतलब एक पिता अपनी बेटी को उसका हॉर्स बेच देता है, बोलता है कि हॉर्स ले जाओ, पर उस हॉर्स में कुछ कमी थी, उसका पैर पे कुछ कमी थी, तो वो बताता नहीं है उसको। यहाँ बताना उसको, भले से वो सारी वो फिडिशरी रिलेशनशिप में उससे ले रही है चीज, किससे ले रही है कि पिता और पुत्री का रिलेशन है, उसको विश्वास है कि जो मेरे को देंगे अच्छी चीज देंगे। माँ वो बिना सतर्कता के बिना उसके ले रही है, तो यहाँ उसके पिता को बताना जरूरी है, अपने माल की कमी बताना जरूरी है। जहाँ एक पार्टी दूसरी पार्टी के नेकी पर विश्वास करती हो कि नहीं मेरे को ये जो बोलेंगे सत्य सही बोलेंगे, जहाँ साइलेंस इज इक्वेलेंट टू स्पीक हो, जहाँ कि साइलेंस बोलने के बराबर हो वहां। मतलब जैसे कि क्या हुआ कि आपने कोई चीज कह दी कि नहीं यार आज तुमको ये चीज के बारे में बताना पड़ेगा और आप चुप रहे, तो ये इस चीज में भी साइलेंस फ्रॉड होगा। कोई सरकमस्टेंसेस चेंजेस इन अ सरकमस्टेंसेस हुई, मतलब उनने उसके माल की जब चीज बेची थी तब तो अच्छी थी, पर कोई चीज जब पानी आ गया या कोई ऐसी सरकमस्टेंसेस आ गई कि वो गीली हो गई या खराब हो गई, चेंज हो गई सरकमस्टेंसेस, वहां साइलेंस बोलना नहीं बोलना फ्रॉड हो जाएगा। हाफ ट्रूथ आधा सच बताने में भी साइलेंस फ्रॉड है। और स्टेट्यूटरी डिस्क्लोजर, मतलब कानून द्वारा ड्यूटी हो कि उस फैक्ट को डिस्क्लोज करना जरूरी है आपको, तब भी साइलेंस, ठीक है। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।